फाइनल विदाई हमारे इंडिया के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन से। अभी नहीं देखो, ये वाला प्लेटफॉर्म तो आपको खत्म होता दिख रहा है ना, पर बाजू में प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखो, ये अभी काफी दूर तक आगे काउंटर था जहाँ पे अपने को डोसा भी मिल जाता है, यहाँ का फेमस। वैसे मैं आगे आगे जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारी गांधीधाम बैंगलोर एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट 2 में। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मिरज जंक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मिरज से बैंगलोर तक की जर्नी आप पार्ट 2 में देखोगे। जो मौका आ चुका है जब मिरज से बैंगलोर का जो रूट है उसे हम लोग दिन में एक्सप्लोर करने वाले हैं। भाई चलिए सबसे पहले देखते हैं मिरज में अराइवल और वहां चल के बाकी की बातें करते हैं। लग रहा है किसी डीजल टेरिटरी में हमारी ट्रेन एंटर कर रही है। ट्रेन पहुंची है मिरज 7:30 ही, बल्कि 7:45 का टाइम था, तो 20 मिनट हमारे पास रहेगा यहाँ पे होल्ड टाइम। बाकी आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने सितार के बारे में तो सुना ही होगा ना, उसको जो बनाने की कला है यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती चली जा रही है, और यहीं के जो सितार हैं काफ़ी फेमस है। और यहाँ से अगर रूट्स की बात की जाए तो लातूर के लिए लाइन गई हुई है, साथ साथ मेन लाइन कोल्हापुर के लिए वो मिरज से ही गई हुई है। मिरज से बैंगलोर के बीच में रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस चलती है जो साउथ वेस्टर्न रेलवे की तो प्राइड है ही, साथ साथ मिरज रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड MRJ है ये सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। हाल ही में इलेक्ट्रीफाई हुआ है, अभी कम्प्लीटली आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन तो यहाँ पर आ सकती हैं लेकिन सारी लाइन्स इलेक्ट्रीफाइड नहीं है यहाँ पर। ये कमाल की बात थी। खाने पीने के मामले में वड़ा पाव, इडली, वड़ा, सांभर, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल, और स्टेशन के सेंटर में डोसा वगैरह भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। तो चलिए वो लेकर के आते हैं, खाने पीने का रिव्यू भी किया जाएगा। देखो भाई स्टेशन में इडली वड़ा सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे आपको ट्रेन में। तो आगे एक काउंटर था जहाँ पे अपने को डोसा भी मिल जाता है, यहाँ का फेमस। वैसे मैं आगे आगे लेने के लिए ये भी लेकर चलते हैं अपना WCM 2 लोकोमोटिव यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपने ये तो देखा ही होगा बहुत सारे स्टेशन में, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाला, जहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स को स्टेशन होके बढ़ाया जाता है ताकि वहाँ की चीज़ों को प्रसिद्ध किया जा सके। मेरी महानंदा डेयरी, यहाँ के शेक्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। खैर अभी सुबह सुबह मन नहीं था इसलिए नहीं लिया। बाकी स्टेशन में फ्रूट्स वगैरह भी मस्त अवेलेबल है तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। और ये रहा अपना डोसा वाला काउंटर, यहाँ पे आपको डोसा वड़ा सभी चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट पूरे स्टेशन में इडली वड़ा सामान तो अवेलेबल था जो कि आसानी से कैरी हो सकता है, पर डोसे के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। स्टेशन के बाहर भी बहुत अच्छी खासी वैरायटी मिल रही है, टाइम तो हमारे पास बहुत था सफिशियंट, वैसे बाहर से भी ला सकते थे चीज़ें, पर इतनी कोई खास भूख नहीं लगी थी जिसके लिए बाहर जाया जाए। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो फेमस यहाँ की जो नमकीन होती है वो यहाँ पे रखी गई है। वहाँ उद्यान जो है यहाँ पे वो ख़त्म हो गया मेरे साइड आते आते, जो साइड आपको प्लेटफॉर्म्स की डिटेल दिखा रहा था। ये सभी चीज़ें डिटेल में इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ ताकि कभी आप जर्नी कर रहे हो तो मेरे एक्सपीरियंस से आप चीज़ें समझ सको, खरीद सको। बहुत सारा टाइम रहता है आपके पास, क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है मैं आपके लिए एक्सप्लोर करके उन चीज़ों को थोड़ा आसान बना देता हूँ। ये जो लाइन है ना ये कोल्हापुर की निकल रही है सामने, रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस पहले कोल्हापुर तक चलती थी लेकिन अब उसे मिरज तक ही कर दिया गया है। बाकी महालक्ष्मी एक्सप्रेस और ऐसी और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो हमें कोल्हापुर लेके जाती हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ जर्नी देखनी है क्या कोल्हापुर की, अगर देखनी है तो चल देंगे वहाँ पे भी आपके लिए। पे देख लो आप लाइन जो है लातूर वाली वो अलग हो रही है, इधर पे
वो हमसे दूर निकल जाती है, सिंगल लाइन रूट है वो निकल गया। और यहाँ पे देखो आपके लिए क्या लेके आए हम लोग, ब्रेकफास्ट में ये सभी ऑप्शन रहने वाला है। वड़े ले लिए थे हमने साथ में, पोहा तो मैंने टेस्ट भी कर लिया, अच्छा लगा। और यहाँ पे हैं मसाले डोसे भी जो मैं लेके आया था। वड़ा चटनी देख लेते कैसा है यहाँ का। पूरा साउथ वाला टच है, मतलब वर्थ है खाने में। जैसे जैसे साउथ की ओर बढ़ती जाएंगे ना, ये सभी चीज़ें बढ़ती जाएंगी और स्वाद जो है वो और एनहेंस होता जाएगा। बहुत बढ़िया वड़ा। डोसा खा के देखो कैसा है। बहुत अच्छा है डोसा। स्टेशन पे इतना अच्छा मिल जाए तो क्या ही कहें। डोसा में आलू भी है एक्चुअली, ये देखो सेंटर में। और स्टेशन में संदीप भाई कह रहे हैं ऐसा डोसा मिल जाए तो मज़े आ जाए। बाकी पोहा तो मैंने पहले ही टेस्ट कर लिया था, बहुत बढ़िया था। तो मतलब ये सभी चीज़ आपके लिए रिकमेंडेड, अगर आप मीरठ से ट्रेन बोर्ड कर रहे हो ना खा सकते हो सभी चीज़ें। गांधीधाम बैंगलोर के स्लीपर का हाल। ये गाड़ी जो है 12 महीने पैक ही चलती है, कभी खाली मिलती नहीं है आसानी से। तो लोग जमीनों में भी सोने को मजबूर हैं इसमें। आपको थोड़े डीजल लोकोमोटिव के शॉट्स दिखा दूँ, इसलिए मैं थोड़ा आगे तक आ गया। बाकी यहाँ पे स्लीपर का हाल भी है, काफ़ी पैक सही है, मतलब इतना लेकिन भीड़ वाला नहीं जैसे बिहार की ट्रेन में, यूपी की ट्रेन में होता है, गोरखपुर की ट्रेन में, भाई जगह ही ना मिले खड़े होने की, वैसा नहीं है। खाली खाली सा है, लेकिन सीटें जो हिस्सा है जितने सीटें हैं उससे 10-15 एक्स्ट्रा लोग ही होंगे, पर हाँ बैठने वाले जो दरवाजे के पास जगह है वो कई कोचेज में खाली है, सब में नहीं, कई कोचेज में खाली है। लोग बहुत बहुत ज़्यादा सामान लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है SWR की, अच्छा रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस जो कि मिरज की ओर जा रही है वो यहाँ पे खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। 2 पर अभी हमारी ट्रेन आई हुई है, तो जो वेंडर्स हैं वो वाली ट्रेन लेकर के निकल जाएंगे।
अपनी यहाँ बेलगावी पहुंच चुकी है, अपने कुंदा के लिए बहुत ही फेमस है। इडली वड़ा सभी कुछ आगे मिल रहा है। अपना कोच है वो पीछे तरफ में, एकदम आगे तरफ आ गया था इंजन की कवरेज थोड़ा लेने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे हैं। बेलगावी पे आपको मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा कर्नाटक और महाराष्ट्र का। एक्चुअली मेरठ से जो बेलगावी तक का सेक्शन है वहाँ पे थोड़े पूरे में ही आपको मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। एक तत्काल टिकट करा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया दिखाने में। 5 से 10 के यहाँ पे अराइवल टाइम था। ट्रेन यहाँ पे 10:05 पे ही आ चुकी थी, आप लोग को बता दूँ। बाकी बेलगावी जो है काफ़ी बढ़िया स्टेशन है खाने पीने के मामले में। जिनको अगर इसे अपने खाने पीने का हॉल बनाना है उनके लिए तो और ही बढ़िया है। इसका एक्चुअली में जो नाम है ना वो इसे बैम्बू विलेज के नाम की वजह से पड़ा। इसे पहले बैम्बू विलेज कहा जाता था इसलिए इसका नाम फिर बेलगावी पड़ा हुआ है। बाकी चलिए मिलता हूँ डिपार्चर से। एक टिकट करना था वो कर लेता हूँ, वो बाकी है क्योंकि। बाकी ये है यहाँ का फेमस कुंदा जो काफ़ी फेमस होता है। क्या रेट है भैया ये कुंदा? 160। और ये स्पेशल कुंदा है। काल जो है जो हमको करनी थी वो तो हो गई खैर। और ये कुछ ले लिया, पता नहीं क्या है। कुंदा तो नहीं लिया, कुंदा बहुत बार खाया हुआ है। मैं कर्नाटक में ही रह रहा हूँ लगभग 18 साल से, तो वो तो लिया हुआ है। ये कुछ मेरे लिए नया था, मैंने सोचा संदीप भाई को भी ट्राई कराते हैं। बाकी लोकोमोटिव के शॉट काफ़ी सही आ रहे थे यार, लेकिन क्या बताऊँ अराइवल के जस्ट पहले ही तत्काल की टाइमिंग खुल गई, फिर वहाँ मैं फंस गया। लेकिन फाइनली टिकट तो खैर मिल गया उद्यान एक्सप्रेस में, मेरे एक दोस्त को आना था उसका किराया टिकट। अगर आप लोग कर्नाटका के कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना तो बेलगावी बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। बहुत मज़ा आएगा अगर आप यहाँ पे आओगे तो, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों जगह का टच मिलता है। महाराष्ट्र का भी टेस्ट मिलेगा वड़ा पाव को, और यहाँ पे साउथ का मसाला डोसा इडली वड़ा का भी टेस्ट मिलेगा। देखो क्या मस्त सजा हुआ है बेलगावी रेलवे स्टेशन को। जो S7 कोच जिसमें मैं था वो बहुत आगे था, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक कर रहे थे याद है। ये कुछ लोकेशन थी वहाँ की। कल से कुछ मीठा तो हमने स्पेशल खाया नहीं है लस्सी छोड़ करके, तो आज ये गोकुक का स्पेशल ट्राई करते हैं। संदीप भाई को ट्राई करवाते हैं कैसा है। मैंने नाम तो सुना है पर कभी खाया नहीं था। ये कुंदा तो बहुत बार खाया, अब देखते हैं क्या है कैसा है। ये चीज़ें तो अब खा के ही पता चलेंगी। अच्छा कैसा है, घी भी ज़्यादा है क्या? घी तो है, अब ये टेस्ट कहीं ना कहीं तो मैंने एक्सपीरियंस किया, पता नहीं क्या है वो, तो अच्छा लग रहा है। रिकमेंडेड है या बस ऐसी है? रिकमेंडेड है, अगर कुछ मीठा खाना हो तो आप जरूर ट्राई करते हो, कुछ नया है। देख लो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब भर भर के पड़े हुए हैं। नारियल है, नारियल की बर्फी जैसा लग रहा है एक्चुअली में, है ना। काजू नारियल सब बहुत पड़ा हुआ है इसमें, अभी इतने भी नहीं पूरे में पड़ा हुआ है। एक्चुअली नारियल ही रही है, नारियल की बर्फी टाइप लग रहा है। नारियल खोया मिक्स है ना, अब मुझे लग रहा है जैसे नारियल खोया मिक्स। पर स्वाद तो बहुत अच्छा है यार। ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अगर केवल कुएं को तो शायद मुझे इतना मज़ा भी नहीं आता। इसमें आया अच्छा लगा। आप लोग गुजर रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, और तो कुंदा भी ट्राई कर सकते हो, और वो गर्म खाने वाली चीज़ है, ये ठंडा भी चलेगा। अभी आप यहाँ पे एक ग्रेडियंट देखो, ऐसा लग रहा है जैसे रोलर कोस्टर राइड यहाँ पे बनाई गई हो। ट्रैक्स कैसे नीचे की ओर जा रहे हैं और आगे जा करके देखो कर्व भी हो रहे हैं। अभी हम लोग उतर रहे हैं ग्रेडियंट, चलो पीछे के कोचेस आपको दिखाता हूँ। ये देखो ट्रैक आपको दिख रहा है नीचे की ओर जाता हुआ, ये है SWR का इफेक्ट। ऊंचे ऊंचे ट्रैक्स ऐसे बने हुए हैं। बार के मॉनसून के लिए रेलवे की तैयारी देख लो, यहाँ पे जाली वगैरह लगा दी गई है ताकि ये जो हिस्सा है ये बह के नीचे की ओर ना चला जाए मॉनसून।
बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है रेलवे के सूट पे। घने जंगल है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। जुलाई में आपको एक जर्नी सूट पे दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। फाइनली लोंडा जंक्शन हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई, सुबह के 11 ही बजे हैं अभी, तो गर्मी एक अलग ही लेवल की हो गई। और यहाँ पे आप देख लो, गोवा से आने वाली जो लाइन होती है ना, वो यहाँ पे आ रही है। गोवा एक्सप्रेस भी इसी से आती है और उसका लोंडा जंक्शन पे रिवर्सल होता है। ये रूट जाता है कैसल रॉक की ओर, आगे वास्को डी गामा मडगांव, मतलब जो अपना रूट है वो वाला रूट है। कई सारे लोग पूछते हैं ना गोवा जाने के लिए शॉर्ट रूट क्या रहेगा, तो एक काम करना, आप लोग बैंगलोर से लोंडा तक की गाड़ी लेना, लोंडा जंक्शन में उतर जाना, यहाँ से कोई भी गाड़ी लेके आप जा सकते हो आगे। वैसे हुबली उतर के भी सेम चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है तो। यहाँ पे लोंडा जंक्शन फाइनली पहुँच चुके हैं। आ जाओ, बढ़िया बढ़िया भाई। 2 मिनट का हॉल्ट टाइम है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, 11:03 से 11:05 का। बाकी हमारी ट्रेन थोड़ा सा डिले के साथ यहाँ पहुँची 11:15 पे। बाकी भैया के पास यहाँ पे इडली वड़ा वड़ा पाव है और कुछ देखते हैं। अपने को बीच में एक स्टॉल है जहाँ से हमेशा संदीप भाई लेते हैं, जर्नी में अपना एक फिक्स स्टॉल है बीच में, वहाँ से नॉर्मली हम लोग वड़ा पाव और पानी वगैरह लेते हैं, तो आज भी वहीं से ले लिया जाए। आपको स्टॉल भी दिखा देता हूँ, देखो ये स्टॉल, जब भी गोवा एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं या किसी ट्रेन में तो ये सेंटर वाले स्टॉल से ले जाते हैं चीज़ें। पानी की 2 बॉटल ले ली ठंडी, क्योंकि ट्रेन्स में क्या है ठंडी बॉटल तो नहीं मिल पाती, तो ठंडा अगर आपको लेना तो नीचे स्टेशन से लेना पड़ेगा। हाँ, बाकी वड़ा पाव भी ले लिया, वो देखते हैं कैसा है आज। अगर आपको नंदिनी के कोई प्रोडक्ट लेने हैं तो इस वाले शॉप से आप ले सकते हो, आयर सीरीज का फूड ऑन ट्रैक। बाकी वड़ा वगैरह जो है वो आपको शॉप में ऑलरेडी दिखा दिया है यहाँ पे। लोंडा छोटी सी जगह है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, अभी हरिप्रिया एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो गई क्योंकि तिरुपति से कोल्हापुर के बीच में चलती है, पर आज ये गाड़ी बेलगाम से आगे नहीं जाएगी, बेलगाम में ये रद्द कर दी गई है। वैसे इस रूट में भेलपूरी बहुत ही टेस्टी मिलती है, तो अगर आपको मौका मिले तो ट्राई ज़रूर करना। जब मैं आगे जनरल के कोचेस में गया हुआ था तब भेलपूरी मिल रही थी, पर मैं खा नहीं सकता था क्योंकि मैं तो आपके लिए कवरेज में था, तो अगर अपनी सीट पर अभी आती है तो वो ट्राई करके आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि वाकई में इस रूट में बेस्ट चीज़ जो मिलती है वो भेलपूरी ही है। वड़ा पाव संदीप भाई के लिए और यहाँ पे हैं पीनट्स जिसे मैं खाने वाला हूँ, मुझे तो पीनट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे वड़ा पाव में भर के भी खा सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आप भी चाहो तो ऑल इंडिया कहीं भी ऑर्डर कर सकते हो, बहुत सारी जर्नीज में मैं इसे कैरी कर रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो ऑल इंडिया डिलीवरी भी है। दाने देख लो एक बार, क्वालिटी देख लो। संदीप भाई खा के बताओ कैसे। भरूच के सिंह दाने आपने सुना है ना, ये वही है, ये इसकी डिलीवरी अहमदाबाद से ही है, महसाना से आते हैं। उसके और बड़े पैकेट नहीं आते क्या? मैं तो यही वाले मंगाता हूँ, 4-5 मंगा लेता हूँ तो जर्नी में कैरी करने के लिए आसान रहता है। और बड़े पैकेट होते तो फिर क्या है ना, वो सील खुल जाती है, कभी कभी खराब होने के चांसेस है, ऐसे खराब नहीं होगा, जिप लॉक कर दिया और जर्नी में काम आता है, प्रोटीन का प्रोटीन हो गया और टेस्ट का टेस्ट, मज़ा आता है। और इनफैक्ट इसे हम वड़ा पाव के अंदर भर के भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चटनी तो है नहीं। जितने जोश से इसको लिया था उतने जोश से छोड़ भी दिया है, कोई स्वाद इसमें खास मिला नहीं, बाकी जर्नी अपनी बढ़िया चल रही है। तो भाई ये तो रिजेक्टेड है, ये रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से, ये नहीं खाना आप जर्नी में। हाँ ये रिकमेंडेड है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा, लेके चल सकते हो।
इस ट्रेन को बाहर से भी साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है यार। देखो क्या डस्ट लगी हुई है, अंदर तो खैर चमक रही है, फिर भी बाहर थोड़ी सी दिक्कत है। ये रूट वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और अभी हम लोग धारवाड़ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे ट्रेन अपनी पहुँच की है धारवाड़ रेलवे स्टेशन। हाल ही में यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी जब आए थे तो धारवाड़ के लोगों ने अपना प्रसिद्ध पेड़ा यहाँ का उन्हें खिलाया था। वादा करके गए अश्विनी जी कि यहाँ पे एक वंदे भारत मिलेगी धारवाड़ से बैंगलोर के लिए, जो कि वाया हुबली बैंगलोर के लिए जाएगी फ्यूचर में। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है और ट्रायल रन मेरा बाकी है, उसके बाद ट्रेन भी मिलने की संभावना जल्दी। यहाँ पे कुंदा भी अवेलेबल है, ये रहा धारवाड़ का फेमस पेड़ा। क्या रेट है भैया? 260। तो देखो कुछ ऐसा दिखता है, कभी आपने खाया तो बताना। स्टेशन में आपको पेड़े के स्टॉल्स मिल जाएंगे बहुत सारे। स्टेशन की साफ सफाई की मैं तारीफ कर रहा था ना, देख लो उसके पीछे रीजन। बहुत ही साफ सुथरा रेलवे स्टेशन लगा, मॉडर्न तरीके से बनाया गया, हुबली को तो वर्ल्ड क्लास लेवल का बना दिया। ये भी काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था स्टेशन, साफ सफाई भी पूरी है। यहाँ पे देखो ट्रेन यहाँ पे 12 मिनट के डिले के साथ आई है, तो इतना डिले तो चलता है इंडियन रेलवेज में, बाकी निकल भी जाएगी तुरंत। और वो वड़ा जो हमने लिए थे लोंडा से वो मज़ेदार नहीं थे, तो हमने फेंक दिए, खाया नहीं वड़ा पाव एक्चुअली। ये देखो मैंने तो नहीं लिया, लेकिन संदीप भाई को इसका स्वाद चखना था ज़रूर, क्योंकि अश्विनी जी को पसंद आया था। अच्छा ऐसा है, अश्विनी जी को पसंद आया तभी तो वंदे भारत मिल रही है धारवाड़ को। अच्छा धारवाड़ से बैंगलोर जल्दी आने वाले। यहाँ पे देख लो निकल गई है ट्रेन धारवाड़ जंक्शन से, साफ सफाई देखो एकदम चमक रहा है ये प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे चलिए दूसरी तरफ का भी प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। बैंगलोर के लिए जाने वाली इंटरसिटी भी खड़ी हुई है, मतलब इसके रेक शेयरिंग है बहुत सारी, करतगी धारवाड़ हुबली बैंगलोर। लेकिन एक चीज़ है, डीजल लोकोमोटिव इंजॉय करना है, डीजल रूट इंजॉय करना है, तो आपको यहीं आना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरती से बसा हुआ है धारवाड़ शहर, वाकई में देखो ना क्या मज़ा आ रहा है। पहाड़ों में ऐसा लगता है ये बिल्डिंग है सामने, और ये देखो बहुत ही कमाल का शहर है, कभी आना पड़ेगा यहाँ पे भी। धारवाड़ पेड़े जो हैं कुछ अलग तरीके के होते हैं, खोए के ऊपर चीनी यहाँ पे ऐसे लगाई जाती है, कभी आपने खाए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और बाकी शायद संदीप भाई पहली बार खा रहे थे ना, टेस्ट करके खाया था पर वो भूल चुका हूँ टेस्ट को, टेस्ट करो फिर से खाऊंगा। पुनर्जन्म हुआ आज, कैसा है? बहुत अच्छा। कितने का मिला ये पैकेट? 130 250 ग्राम होगा ना करीब। पता है इसमें क्या अच्छी चीज़ है, वो जो शुगर का तो है ना, वो थोड़ा सा कम चीनी खानी तो उसे साफ कर लो, पर मुझे टेस्ट अच्छा कर रही है और अच्छा लगा। अच्छा अच्छा काफ़ी अच्छा लगा संदीप भाई को। मैंने तो बहुत बार खाया, साउथ में रह रहा हूँ 18 साल से, जो सब मिलता है आपसे। जब गाड़ी हुबली पहुँचेगी इसे फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप लोग देख लो खूबसूरत सा हुबली शहर, और जो लोग यहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। यहाँ देखो ट्रैफिक पुलिस की बढ़िया बातें चल रही हैं किसी के साथ कि घूस कितनी लेनी है। बाकी स्टेशन में भी अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। हुबली जो है इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, ऐसे नाम भी इसका काफ़ी लंबा है, श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी महाराज हुबली जंक्शन। अब जंक्शन की सभी जानकारी आपको उतर करके बताऊंगा, वैसे एक्चुअली में बहुत लंबे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलिए पहले देखते हैं अराइवल। यहाँ पे भाविन भाई हमसे मिलने आए हैं, उनसे बातें की जाए, खाने पीने की कुछ व्यवस्था वही करके आए। मैंने सोचा था ट्रेन से लूँगा पर भाविन भाई आ ही गए, तो अब उनसे कुछ बातें हो जाए,
यहाँ पे हम लोग 135 पे पहुँच रहे हैं और ट्रेन यहाँ से 220 पे जाएगी। मतलब इतना अच्छा खासा हमारे पास समय है ना कि बाहर घूम के भी आ सकते हैं अगर ज़रूरत होती तो। पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बोलूँ, अचानक से बढ़ गई है यहाँ पर गर्मी आके। देखो भाविन भाई को संदीप भाई ने घेर लिया है यहाँ पे। हेलो भाविन भाई, कौन सी गाड़ी से है, कैसी थी? बढ़िया। हम लोग हुबली जंक्शन तो पहुँच चुके हैं। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए ना क्योंकि जो इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो 1.5 किलोमीटर लंबा, यानी 1500 मीटर से ज़्यादा। सोचो अगर वहाँ चलने ही गए ना, दो फेरे लगा लिए तो 3 किलोमीटर पूरे। बाकी यहाँ पे खड़ी हुई है हुबली जन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि 140 जाती है। ट्रेन हमारी 5 मिनट पहले पहुँच गई, इसलिए इसके भी दर्शन हो गए। काफ़ी कमाल की गाड़ी है, काफ़ी तेज़ ट्रेन है बैंगलोर हुबली के बीच में। अभी तक ये फास्टेस्ट ट्रेन यही है बैंगलोर हुबली के बीच में। ये रात 9:30 तक बैंगलोर भी उतार देगी और हम लोग देखना 11:30 पहुँचेंगे। मतलब समझ सकते हो आप रफ्तार का अंतर। बाकी खाने पीने की चीज़ें आपको स्टेशन में बहुत बढ़िया मिल जाएंगी। अगर आपको स्पेशली अगर आपकी ट्रेन भी हमारी तरह 40-50 मिनट के स्लैक के साथ आती है ना, तो ये फुटओवर ब्रिज ले लेना। उस साइड वहाँ पे IRCTC का फूड ऑन ट्रैक है, वहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है। मतलब इडली वड़ा सांभर मील्स पूरी सभी चीज़ें आप वहाँ से पैक करा के ला सकते हो, सफिशेंट टाइम रहेगा। यहाँ पे पानी वगैरह की अरेंजमेंट कर लेना। इसके बाद हमारी ट्रेन जो है बहुत छोटे छोटे स्टॉप्स में हावेरी रानी बिन्नू रेस जगह पे रुकेगी। मैं आपसे मिलूंगा सीधा दावणगेरे रेलवे स्टेशन में, क्योंकि हुबली बैंगलोर तो मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे, 18 साल से बैंगलोर में हूँ, ये सभी चीज़ें तो अपने लिए रेगुलर है। इन रिव्यू इन बड़े बड़े स्टेशन का ये, तो मैं कोशिश करूँ कि सभी चीज़ आपको डिटेल में दिखा पाऊँ, आपको भी कोई ट्रैवलिंग के दौरान आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि मोस्टली जो लोग स्टेट में ट्रैवल करते हैं ना, वो लंबी दूरी के यात्री होते हैं और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि भाई आ रही है गांधी धाम से, उसके बाद आप इसका रूट देख ही रहे हो। लोग इसमें बैंगलोर तक टिकट RCGare तक टिकट बुक करते हैं और आधे आधे रास्ते उतर जाते हैं। कोई मिरज उतर रहा है, क्योंकि इसमें जो टिकट का कोटा है ना वो थोड़ा लंबी दूरी का ही है। जैसे लोग एंड तक बुक करते हैं, कई लोग हुबली उतरते हैं, कोई और पहले, कोई रानी बिन्नूर हावेरी, ऐसे उतरते उतरते जाती है, तो गाड़ी काफ़ी हद तक खाली हो जाती है डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते। देखो गाड़ी कितनी खाली खाली सी हो रखी है यहाँ पे, ये तो पूरा केबिन ही खाली है यहाँ पे। हमारे ये लोअर बर्थ वाला जो कॉम्बो है ये भी खाली हो गया। भाविन भाई देखो हमारे लिए क्या क्या लेके आए आइटम यहाँ पे, पूरा हमसे पहले ही आ गए थे दादर उबली से, इसलिए हमने बोला भाई देख लो कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट। क्यों भाविन भाई, गाड़ी मज़ा आया उसमें कि नहीं? सोता रहा मैं तो। सोते रहे यार, ब्लॉगर्स वाली लाइफ नहीं है ना, हम लोग सोने को तरस गए इसमें। रात में 12 के आसपास सोए, सुबह 6 बजे फिर उठे, और उससे पहले IPL में पूरा जगे थे, IPL देखते देखते क्या आता है वहाँ तक मैं गेट पे खड़ा रहा। टीटी साहब साथ में थे, वो कोई गेट बंद करा था, वो बोले कि बंद मत करो हवा आ रही है। बोला अच्छी बात है, बोलते हैं मिरज का वो ट्राई करना डोसा, खुद ही सो रहे थे। अरे यार अच्छा था, लेकिन डोसा ट्राई किया हमने, हां अच्छा था डोसा, अच्छा था, ले आया था। और धारवाड़ पेड़ा खिलाएंगे भाई को, हां देख लो मसाला डोसा साथ में चटनी सांभर गन्ने का जूस। जब गाड़ी 1 घंटा रुकती है स्टेशन में तब यही होता है। और भाविन भाई आए थे तो खाना अच्छे से आ गया, वरना हम लोग लाते तो पता नहीं क्या क्या ले आते हैं यहाँ से स्टेशन से ऊट पटांग। भाविन भाई थे इसलिए ठीक ठाक खाना ले आए यहाँ पे। फिर मिलते भाविन भाई, बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया गाड़ी की वजह से, 1 घंटे का लगभग। बिल्कुल राइट टाइम गाड़ी को निकाला था एकदम, 220 पे निकलते निकलते भले ही 21 दिखा रहा है ये, गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम छूटी है। पहुंच रही है जसीडी वास्को डी गामा एक्सप्रेस और हम लोग निकल रहे हैं हुबली से। फाइनल विदाई हमारी इंडिया के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन से। अभी नहीं देखो, ये वाला प्लेटफॉर्म तो आपको ख़त्म होता दिख रहा है ना, पर बाजू में प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखो, ये अभी काफ़ी दूर तक साथ चलने वाला है। ऐसे ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं, आपको दिखाता हूँ कितना लंबा है। इसको थोड़ा अनकट रखते हैं चलो, ताकि आपको मैं बता सकूं प्लेटफॉर्म एक्चुअली में कितना लंबा है। ये देखो अभी भी प्लेटफॉर्म जो है ना वो साइड में चल ही रहा है। और यहाँ पे आई पॉन्डिचेरी से दादर की ओर जाने वाली चालुक्य एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये भी जर्नी करने के लिए। एक्चुअली बहुत साफ सुथरी ट्रेन थी मुझे इस रूट की, बैंगलोर मुंबई रूट की। और
अभी भी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो चल ही रहा है। यहाँ पे हुबली हैदराबाद एक्सप्रेस खड़ी हुई है। आप इसे हुबली दादर भी कह सकते हो, इसकी रेक शेयरिंग है क्योंकि। डेडिकेटेड फर्स्ट एसी का कोच लगा हुआ है, इसमें साफ सुथरा एकदम चमक रहा है वो। भाई साहब ये है लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब दो ट्रेनें मज़े से इस रेलवे प्लेटफॉर्म में आ सकती हैं। देखो इतना लंबा है। यहाँ पे एक और रेक खड़ा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे थ्री एसी इकोनॉमी के कोचेज हैं। ईस्ट कोस्ट लिखा हुआ है, पता नहीं किसको अलॉट होंगे, वो पुराना वाला विस्टर्ड हो। सामने जा रहा है गडक बलारी होते हुए आगे गुंटकल की ओर, साथ साथ यहाँ से विजयपुरा के लिए भी लाइन निकल जाती है, मतलब काफी रूट्स निकलते हैं आगे जाकर के। बहुत सारे कोचेस को स्क्रैप करने के लिए देखो वहां पे खड़ा किया गया। गर्मी का जो प्रकोप है वो थोड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है अभी। यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अभी दावणगेरे रेलवे स्टेशन। अपने बेन्ने डोसा के लिए यानी घी मसाला डोसा के लिए फेमस है। भीड़ बहुत ज़्यादा इस ट्रेन में यहाँ से चल रही है, शायद है कि कोई ट्रेन इसके पीछे पीछे चल रही होगी जिसको आज शेड्यूल में आगे होना चाहिए था। मैं तो बस नींद से उठा हूँ इसलिए आपको शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, वरना आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे। जस्ट उठा ही था कि गाड़ी दावणगेरे में एंटर कर रही थी। यहाँ ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम दावणगेरे रेलवे स्टेशन से निकल रही है। देखो आप लोग बहुत सारे स्नैक्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं स्टेशन में। काफ़ी क्लोज बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पे और हमेशा ही सतर्क रहें जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर भीड़ हो सामने तो मोबाइल वगैरह को अंदर की ओर कर लें। पहली बार देखा किसी स्टेशन में इस टाइप का शॉप जहाँ पे आपको पॉपकॉर्न और ये सब डेडिकेटली मिले, स्वीट कॉर्न पॉपकॉर्न ये सब मिले। खासा एक्सेलरेशन यहाँ पे ले लिया। ये गीतांजलि यहाँ का थिएटर ही होगा जैसे देख के लग रहा है। नॉर्मली गीतांजलि वगैरह सब नाम थिएटर्स के ही होते हैं। आपके शहर में कौन सा थिएटर फेमस है, क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में लिख करके थोड़ा बताइए जरूर। और ये पुष्पांजलि सही लग रहा है यार, दो थिएटर आजू बाजू में, गीतांजलि एंड पुष्पांजलि।
जाजूर जंक्शन पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं ये जो सामने लाइन जा रही है ना, ये राय दुर्ग होते हुए बल्लारी जंक्शन के लिए जा रही है, जो कि आगे गुंटकल की ओर निकल जाती है। इस रूट में भी हमने ट्रैवल किया हुआ है मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस से और जयपुर सुविधा एक्सप्रेस से। अगर आप लोगों ने व्लॉग्स देखे हैं तो आपने वो भी देखा होगा। बैंगलोर सिटी धारवाड़ सिद्धगंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस। कर्नाटक संपर्क क्रांति वाया कंचेगुडा। सात ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है, मजा आ रहा है। आपको क्रॉसिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में देखना। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, मौसम बाहर बारिश वाला हो रहा है, हो सकता है आगे बारिश भी देखने को मिले। बाकी बिरूर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं, यहाँ से शिमोगा तालगुप्पा यानी जोग फॉल्स के लिए, वाटरफॉल का नाम आपने सुना होगा जोग फॉल, वहाँ के लिए आपको ट्रेन मिल सकती है अगर आप बिरूर उतरेंगे तो। हमारी ट्रेन का भी हॉल्ट है, दिखाते हैं आपको रूट। कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सामने शिमोगा से जो रूट आ रहा है आप देख लो, बहुत ही खूबसूरत रूट है वो भी। जैसे शताब्दी भी चलती है, इंटरसिटी भी चलती है तलकुप्पा के लिए, काफी बढ़िया रूट है। और यहाँ हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं बिरूर जंक्शन। यहाँ छोटे से खूबसूरत बिरूर जंक्शन रेलवे स्टेशन में हम लोग पहुँच चुके हैं। जंक्शन आप लोग देख लो, यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। देख लो पेड़ वगैरह बहुत ही खूबसूरती से लगे हुए हैं यहाँ पे। बाकी इस तरफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही हरियाली देखने को मिलेगी। जंक्शन क्यों कहते हैं वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, अराइवल में ही दिखा दी शिमोगा वाली लाइन। कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाएँ। बाकी ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें आपको समोसा वड़ा पाव पानी लस्सी छाछ सभी चीज़ें शाम में मिल रही है मेन्यू में, तो वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको खाने पीने की। इस ट्रेन में लंबी दूरी की गाड़ी है, पैंट्री सर्विसेज हैं तो गाड़ी बढ़िया है वैसे ओवरऑल। यहाँ आप देख लो बिरूर जंक्शन से अपनी गाड़ी निकल चुकी है 6:09 पर, देखते हैं बैंगलोर कब पहुँचेगी। अभी बहुत सारे लोग इसका रूट जरूर जानना चाहेंगे, तो आपको बता दूँ गांधीधाम से ही चलती है, फिर समख्याली जंक्शन विरमगाम होते हुए ट्रेन अहमदाबाद आती है, वहाँ से वडोदरा, फिर अपना मुंबई लाइन लेके आती है कल्याण, कल्याण से पुणे, पुणे से सतारा सांगली मिरज होते हुए इस रूट को हम लोग तय करते हैं। बाकी रूट तो आप इस पार्ट में इस जर्नी के देख ही रहे हो मेरे साथ। अभी उस तरफ यशवंतपुर वास्को डी गामा यानी गोवा एक्सप्रेस क्रॉस होने वाली होगी, वो आपको दिखाते हैं। यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस
पहुंची अपनी आरसी केरे जंक्शन। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हसन वाली लाइन जो कि आगे मैसूर भी जाती है, वही सकलेशपुर जाती है, वो अलग होती है, और हम लोग बैंगलोर वाली लाइन पे बढ़ने वाले हैं। मौसम देखो, बादलों का कलर देखो, एकदम पिंकिश पर्पल हो रखा है। बाकी यहाँ पे तट इडली और वड़ा भी अवेलेबल था, साथ में पुलाव, तो दोनों चीज़ ली है। देखते हैं स्वाद कैसा है। ट्रेन में पहुँचते काफ़ी आगे था स्टॉल, इसलिए भाग के गया था, इसलिए काफ़ी थकान सी हो गई। आपसे एक्सप्रेस भी कह सकते हो, हसन कृष्णा सागर और मैसूर के लिए यहाँ पे ट्रेन बदलो, ऐसा लिखा हुआ बोर्ड में। ये यहाँ का फूड प्लाजा जहाँ पे आपको खाना बहुत ही अच्छा और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। अभी अरसी के लिए आ रहे हो तो यहाँ से ट्राई ज़रूर करना। पाँच मिनट का ही हॉल्ट रहता है यहाँ पे गांधीधाम एक्सप्रेस का, बस इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। सामने लाइन निकल रही है, यही मैसूर और हसन के लिए निकल जाती है। अरसी के लिए कुछ सीधे जंक्शन कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है ये भी। यहाँ पे जो सनसेट हुई है वो बहुत ही खूबसूरत हुई है। आरसी के जैसे पुलाव लिया 40 रुपए का, और ये कुछ ऐसा है एक्चुअली में देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, और चीज़ें पड़ी हुई हैं कम से कम। और यहाँ पे ये है तटे इडली, जो कि प्लेट इडली भी आप इसे कह सकते हो, काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में, इसमें दो दो हैं, बड़ा साइज़, और साथ में ये चटनी आ रही है, बहुत अच्छी लगती है। बाकी पुलाव जो है उसकी कॉस्ट 40 रुपए थी, उसके हिसाब से तो संदीप भाई ने कहा कि बहुत अच्छा है टेस्ट, क्योंकि इसमें गाजर बीन्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। इडली कितने की थी? चावल बहुत अच्छा है। इडली भी 40 का दो, ये भी 40 का, तो आपको जो चीज़ पसंद हो आप ले सकते हो। बाकी अपने पास दही भी है, दही से खा सकते हैं। पुलाव वाली पूरी फीलिंग आ रही है, बढ़िया चीज़ें पड़ी, मसाले अच्छे हैं। बाकी तुमकुर में भी कुछ कोशिश करेंगे, ट्राई करें, क्योंकि ये वाला पैकेट अभी खोलने नहीं वाले हैं। चाहते हैं लंच वंच कुछ खास किया नहीं सॉलिड, तो अब डिनर तगड़ा रिव्यू करके इस ब्लॉग को एंड किया जाए। बैंगलोर पहुँच के फिनिश करते हैं इसे स्वादिष्ट खाने को, आपसे मिलते हैं तुमकुर में। अब यहाँ हमारी जो ट्रेन है वो तुमकुरु रेलवे स्टेशन पहुँचने ही वाली है। बस रात के समय में देखो कितना खूबसूरत लग रहा है तुमकुर। हेलो, यहाँ पे सब्सक्राइबर भी एक मिल गए हैं। रैंडम मीट अच्छी लगती है मेरे को सबसे। किसी कह रहे हैं किसी रेलफे ने देखा, वो बताया आपको? वो टीके से है, तुमकुर से ही है। क्या नाम है? आर्यन अब्दुल, अब्दुल शॉर्ट्स ऑफ आईआर। अच्छा अच्छा, बाकी तुम्हारा भी चैनल है? रेल स्पॉटर ऑफ टीके, तुमकुर के नाम से बनाया हुआ भाई ने चैनल। बाकी यहाँ का हमने मधुर वड़ा और स्पेशल जो वेज पुलाव था वो ले लिया है, क्योंकि काफ़ी सही होता है, टेस्टी होता है। तुमने ट्राई किया है स्टेशन का कभी? अच्छा रहता है ना? एवरेज। बाहर अच्छा है कुछ? हाँ। अच्छा लगा? हाँ, मेरे को भी। तो यहाँ पे एक भाई मिले थे, उनसे मिले और डिपार्चर भी तुमकुर से हो गया, और हाथ पूरा ऑक्यूपाइड थे इसलिए ज़्यादा कुछ बातें नहीं हो पाई। अभी इन चीज़ों को सीट पर रखना है। अमूल का पार्लर भी है, तो यहाँ पे आपको चाय वगैरह अच्छी मिल जाएगी। अगर आप आते हो इस ट्रेन से और आपका कोच के आगे पड़ता है तो आप ट्राई कर सकते हो। नंदिनी और अमूल दो ही चीज़ों की जो आपको चाय वगैरह है वो अच्छी मिलेगी स्टेशन। फाइनली डिपार्टिंग तुमकुरु रेलवे स्टेशन। चलो अंदर चलते हैं, इसको सीट में रखा जाए अभी। बाकी तुमकुर वाले पुलाव ये रहे, देखो यार लग तो रहा है इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना? मटर बाकी चीज़ें दिख रही हैं। और ये रहे मधुर वड़े, कैसा है? अच्छा। मैसूर वाले रूट जैसा है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है।
बाकी देखते हैं कैसा। चाय वगैरह हम लोगों ने ले ली थी, मतलब अभी तक की हमने शायद 10-12 दिन में 8-9 ट्रेन की होगी और अभी तक किसी भी ट्रेन में चाय नहीं पी थी ना। ये फर्स्ट ट्रेन है क्योंकि घर पहुँचना, अब इसके बाद एक्सरसाइज वर्कआउट हो जाएगा, तो ट्रेन की जो चाय है वो ट्राई करें, वो भी बस इसके लिए। इसके साथ चाय कॉफ़ी बहुत टेस्ट लगती है, स्पेशली कॉफ़ी मधुर वाला। काफ़ी बढ़िया पुलाव देख लेते हैं यहाँ का कैसा है टुमकुर का, और अर्थ के रोल्स कंपेयर कर लेते हैं। इसका अलग टेस्ट है, ये भी टेस्टी है, मतलब ऐसे नहीं कहूँगा ये बेकार है, स्पाइसी एंड टेस्टी है वाला। तो मेन जो स्वाद मुझे अर्सी केरी वाले में ज़्यादा आया था, घरेलू का टेस्ट, ये तो फ्राइड राइस टाइप का टेस्ट चाहिए मसालेदार, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है। बाकी अब मुलाकात सीधा बैंगलोर में करते हैं क्योंकि लंबी जर्नी हो गई है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई, सीधा बैंगलोर में देखते हैं गाड़ी कब पहुँचती है। यहाँ पे दो दो गाड़ी हमारे आगे निकाल चुके हैं छिबाणावर में ट्रेन को रोक करके। 10:50 ऑलरेडी हो रहा है और ट्रेन को रोके रखे हुए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे 10:15-10:20 ट्रेन आ गई थी, तब से यहीं पे खड़ी है, यशवंतपुर भी नहीं पहुँची 10:15 का टाइम था यशवंतपुर का। ट्रेन जो है छिबाणावर रेलवे स्टेशन में पहुँच तो चुकी है और यहाँ ट्रेन बहुत पहले आ गई समय से। मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ, हुबली से बेंगलोर 1 घंटे का ट्रैवल टाइम होना चाहिए जो कि 60 किलोमीटर, पर इस ट्रेन को 3 घंटे लगने वाले हैं। 11:30 का बेंगलोर सिटी का टाइम दिया है, 10:15 यशवंतपुर, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन यहाँ 10:50 हो रहा है छिबाणावर पे रुकी हुई है। 3 ट्रेन पीछे से ओवरटेक करके जा चुके हैं अब तक टोटल। एक स्पेशल ट्रेन भी चलती है जो कि हुबली से 3:30 चलती है, वो भी ओवरटेक करके गई, और एक इंटरसिटी टाइप की ट्रेन थी वो ओवरटेक करके गई। तो भाई ये हाल चल रहा है, तीसरी तो मैं नहीं जानता कौन सी थी, बाकी हाल देख लो। ये है बेंगलोर की कंट्रोलिंग, क्या तारीफ करूँ इसकी। जिस गाड़ी को 1 घंटा लगना चाहिए उसको इतना टाइम दे रखा है कि गाड़ी के लोग परेशान हैं, यात्री परेशान हैं, 3 घंटे में गाड़ी 60 किलोमीटर चल के आ रही है। 9:30 पहुँच के लोग अपने अपने घरों के लिए निकल सकते थे, जन शताब्दी आगे आगे चल रही है वो 9:00 पहुँच गई, 9:30 इससे भी अगर पहुँचते तो लोग घर जा सकते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। 11:30 के बाद ट्रेन पहुँचाएंगे ताकि रात में देर रात में लोग घर पहुँचे और परेशानी हो। क्या कंट्रोलिंग है भाई ये बेंगलोर सिटी। यशवंतपुर से विजयपुर यानी बीजापुर की ओर जाने वाली ट्रेन को निकाला जा रहा है अभी यशवंतपुर से। तो यहाँ पे यशवंतपुर बीजापुर यानी विजयपुर एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है छिबाणावर से पहले। वो तो खैर अलग दिशा में जा रही है, वो अलग ही बात है, बट फिर भी हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, ट्रेन हमारी नहीं निकल रही है यहाँ से। ये काफ़ी ख़राब बात है यार, कंट्रोलिंग बहुत ख़राब रही है यहाँ। मुझे लग रहा है बैंगलोर जोधपुर एक्सप्रेस जो है वो आ रही होगी। पूरी जर्नी कमाल की थी, लास्ट के कुछ एक्सपीरियंस गांधीधाम बैंगलोर ने ख़राब कर दिए। फाइनली यशवंतपुर रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंच रही है, बहुत लेट। बाहर दरवाजे पैक हो रखे हैं, मारवाड़ी फैमिलीज ने पूरा सामान भर रखा है वहाँ पे, कोई फायदा नहीं दिखाने का दूर पे जाने का। इलेवन थर्टी टू पे फाइनली ट्रेन यशवंतपुर जंक्शन से निकल रही है, अभी बैंगलोर सिटी आना बाकी है। बिना बात के जो ट्रेन को राइट टाइम करने के चक्कर में जो लेट लतीफी दिखाई गई है, 3 घंटे का टाइम जो तुमकुर से बैंगलोर तक का लगा है ना, ये काफ़ी ख़राब सता है। लेट सी स्टिल कब तक पहुंचती है, मलेश्वरम भी एक हॉल्ट दिया हुआ है ट्रेन को। फाइनली यहाँ पे 11:50 हो रहा है और अब जाकर के ट्रेन बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। 11:30 का तो टाइम था, कुछ ऐसे ही डिले होता जाता है इंडियन रेलवेज में और चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं, यात्रियों का भरोसा जो है वो ट्रेनें खो देती हैं। क्योंकि 60 किलोमीटर के लिए अगर हम बाई रोड भी आते हैं ना, तो 1.5 घंटे से 2 घंटे में पहुँचते हैं। यहाँ पे हम लोग को
3 hours 30 minutes से ज़्यादा का जो समय है वो लग गया इंडियन रेलवेज में। ये चीज़ काफ़ी खलती है। ये देखो यहाँ पे नॉन स्टॉप ट्रेन जो हैं वो खड़ी हुई हैं। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी, एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। वेलकम टू गार्डन सिटी बैंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर शहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। गांधीधाम बैंगलोर एक्सप्रेस 11:30 का टाइम था और यहाँ पे अच्छे खासे डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे। बात की जाए इस ट्रेन की तो अवेलेबिलिटी इसमें आसानी से मिलती नहीं, वो मैंने आप लोग बता दिया। बाकी साफ सफाई बहुत ही बढ़िया थी। खाने पीने की बात की जाए तो रूट में भी बहुत अच्छा था, ट्रेन का भी एकदम फर्स्ट क्लास था, तो जर्नी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो या 11:30 पहुँचने के लिए तो आपके लिए बेस्ट गाड़ी है। ये डिले तो तय है, मैंने स्टाफ से भी बात किया तो 11:30 ही पहुँचती है, उससे लेट पहुँचती है, इससे पहले तो नहीं पहुँचती क्योंकि प्लेटफॉर्म से नहीं खाली होते हैं। रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस ऐसे और बहुत सारी ट्रेनें लगी रहती हैं प्लेटफॉर्म में, तो इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु है, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी ही ऐसे और बहुत सारे ट्रेन एक्सपीरियंसेस के साथ, और ऐसे ही ऑल इंडिया एक्सप्लोर करते रहेंगे ट्रेन से। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और घर बैठे ऐसे ही जर्नीज मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। नई जर्नीज आपके लिए लाता रहूँगा और ऐसे ही आपको इंडिया घुमाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नई जर्नी में, आप कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से यानी अपने गार्डन सिटी बैंगलोर से अलविदा लेते हुए आपसे। जय हिंद दोस्तों, निकलते हैं घर की ओर।